टीम इंडिया को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जीतने का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा था। भारतीय टीम लीग मैचों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन हुआ कुछ और मैनचेस्टर में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के 18 रनों से मात हुई। इस हार के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया की हार के बाद विराट कोहली काफी दुखी नजर आए। उन्होंने हार के बाद टीम इंडिया की हार की वजह बताई है। विराट कोहली के मुताबिक भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल खेला, लेकिन सिर्फ 45 मिनट का खराब खेल हमें डूब ले गया। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि एमएस धोनी और जडेजा के बीच अच्छी साझेदारी हुई। हमेशा बुरा लगता है कि अब आपका पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हो और सिर्फ 5 मिनट को आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। टीम इंडिया का 5 ओवर पे 3 विकेट चले गए थे। इसी के साथ टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर इस मैच में नहीं चला। मिडल ऑर्डर ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 200 रन ही बनाए थे। विराट कोहली हार का सबसे बड़ा कारण अपने मिडल ऑर्डर को ही मानते हैं। उन्होंने एमएस धोनी की बैटिंग और जडेजा की बैटिंग की तारीफ की है। विराट कोहली ने इस मैच में 0 रन पर आउट हुए और लोकेश राहुल 1 और रोहित शर्मा 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया के 5 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ने साझेदारी की, लेकिन वो भी ज्यादातर तक नहीं टिक पाई। इसके बाद रविंद्र जडेजा और धोनी के बीच 120 रनों की साझेदारी हुई और वो टीम इंडिया को जीत देने में असफल रहे और इस मैच को टीम इंडिया हार के साथ वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हो चुकी है। PM News 24 की रिपोर्ट।